नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन इंडिया न्यूज चैनल में। दोस्तों, यदि आप कार या बाइक चलाते हैं तो आपके लिए जानकारी बहुत ही जरूरी है। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि उन्हें पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की चोरी हो जाती है, और यह बात 100% सच भी है। फरवरी की बात करें तो फरवरी 2018 में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बयान देते हुए कहा कि पेट्रोल पंप फ्रॉड के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 1560 केस जो है नोट किए गए, वही उत्तर प्रदेश में 913 केस जो है पेट्रोल चोरी के मामले सामने आए। वही बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली इसमें तीसरे नंबर पर आता है। तो दोस्तों, ऐसे में यदि आपको यह जानना जरूरी है कि किस तरह से आप इस तरह के धोखेधड़ी से बच सकते हैं, तो चलिए आपको हम इस वीडियो में यही बताते हैं कि किस तरह से आप असली पेट्रोल की जाँच कर सकते हो और किस तरह से धोखे से बच सकते हो। दोस्तों, यदि आप पेट्रोल की शुद्धता की जांच करना चाहते हो तो पेट्रोल पंप पर जब आप पेट्रोल भरवाने जाते हो तो पेट्रोल की जो कुछ बूंदे होती है उन्हें कागज़ के टुकड़े पर डाल दीजिए। यदि पेट्रोल शुद्ध होगा ना तो पेट्रोल की जो बूंदे है वे हवा में उड़ जाएगी और कागज़ पर एक छोटा सा धब्बा भी नहीं रहेगा। और यदि पेट्रोल में मिलावट होगी तो पेट्रोल जो कागज होगा उसके ऊपर धब्बा रह जाएगा। तो इस तरह से आप पेट्रोल की शुद्धता की जो है जाँच आराम से कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप पेट्रोल डलवाने जाते हो तो आपकी जो निगाह है वह मीटर पर होनी चाहिए। मीटर जो तेल मशीन होता है वहाँ पर जीरो लिखा हुआ है कि नहीं, उसी के बाद अपनी जो अमाउंट है उसे भरवाइए। और सभी पेट्रोल पंप पर 5 लीटर के मापने के लिए जो कैन भी होते हैं तो उसके द्वारा भी आप पेट्रोल कितने की क्वांटिटी जो है माप सकते हो। दोस्तों, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाते समय सबसे पहले आपको आपकी जो नज़र है वह मीटर पर होनी चाहिए। उसी के साथ में पेट्रोल कर्मी जो पेट्रोल भर रहा है उसकी और नज़र रखे ताकि वह कुछ भी झोल झाल ना कर सके। कई बार आपको बातों में उलझा कर भी पेट्रोल कर्मी जो होता है वह आपका ध्यान